नाचने वाली दुल्हन। गाजे बाजे के साथ नई दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था। नैना देवी हाथ में आरती का थाल लिए उसके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। कुछ औरतें नैना देवी के साथ खड़ी हुई आपस में नई बहू के विषय में चर्चा कर रही थी। कुछ देर के बाद अनोखी अपने ससुराल के दरवाजे पर आंखें झुकाए सकुचाई सी गठबंधन से बंधी हुई अपने पति नील के साथ खड़ी हुई थी। सुर्ख लाल लहंगे के साथ 16 श्रृंगार किए अनोखी के सौंदर्य पर मोहित हो नील उसकी ओर देखे ही जा रहा था। यह देखकर नैना देवी की प्रसन्नता का कोई पार न था। सर्वप्रथम उन्होंने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी और फिर उसके बाद गृह प्रवेश की विधि पूरी करने के लिए चावल भरा चांदी का कलश अनोखी के आगे रख दिया। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद अनोखी नील के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परात में घुला हुआ लाल रंग लाकर अनोखी के आगे रख देती है। उस परात के आगे एक सफेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा देती है। नील अनोखी की गठबंधन की ओढ़नी लेकर अलग खड़ा हो जाता है और अनोखी अपना पैर परात में रखते हुए आगे बढ़ती है। परात से पैर निकालकर अनोखी उस सफेद रंग के कपड़े पर अपने लाल रंग के पैरों के निशान बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाते हैं। नैना देवी की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधु को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेला ही रहना होगा। ये 8 दिन पुरुष के संयम और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती है। इस 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद अनोखी को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दीयों की रोशनी की गई। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर सफेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर अनोखी ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यहाँ कुल परंपरा कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा देती है। विवाह की थकान की वजह से अनोखी को पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को अनोखी की नींद खुलती है। उसे चूड़ियों की खनखन सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहाँ बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। अनोखी उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर डर जाती है। अनोखी जैसे ही उठकर उसके पास जाती है, वो वैसे ही धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। अनोखी उसे कई आवाजें भी लगाती है, लेकिन वह नहीं रुकती और नाचते हुए बाहर चली जाती है। अनोखी उसका पीछा करने लगती है। उस दुल्हन का पीछा करते हुए जब अनोखी अपने कमरे से बाहर भागती है तो वो देखती है कि वह एक महलनुमा हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है और नाची जा रही है। इस हवेली में कितनी मंजिल थी किसी के लिए भी कह पाना संभव नहीं था। इस मंजिल पर खड़े होकर अनोखी को नीचे की सभी चीजें चींटी जैसी नजर आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हूबहू
एक जैसी ही थी। पूरी हवेली लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। इस वर्गाकार हवेली की हर मंजिल पर 40 कमरे थे। हर एक तरफ 10 कमरे बने हुए थे। हर 10 कमरों के बाद एक घुमावदार सीढ़ी थी। चारों दीवारों और उनसे लगे हुए पत्थर के स्तंभों पर एक जैसी नक्काशी और चित्रकारी उकेरी गई थी। बीच में एक बड़ा सा आंगन था। अनोखी यह सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लगा। वह सोचने लगी कि वह इस हवेली में पहले रहा करती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वह अब पूरी तरह से सब कुछ भूल चुकी थी। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।